Hello guys, welcome to my channel Farooq Food and Vlogs. आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर. So आज की हमारी रेसिपी है ये कीमा का मसूर पुलाव. ये मैंने प्याज ली है, उसे मैंने कट कर लिया है, चार बड़ी प्याज स्लाइस कट कर लिया है मैंने. टमाटर मैंने दो लिया था, उसको मैंने चॉप करके रखा है. हरी मिर्ची मैंने दो ली थी, उसको भी मैंने चॉप किया है. ये दो टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है. कसूरी मेथी ली है मैंने, और ये मैंने खड़े मसाले लिए, आप देख सकते हो, तेज पत्ता, जीरा, बादियाँ, चार इलायची, तीन लौंग, तीन काली मिर्च, तीन लौंग, जावित्री और दालचीनी ली है मैंने. और ये सौंफ का पाउडर है, आप चाहे तो अखा भी ले सकते हो, मैंने सौंफ का पाउडर लिया है. ये धनिया लिया है मैंने, इसे कट करके मैंने रखा है, इसे हम लास्ट में ऐड करेंगे. ये कुछ मसाले लिए मैंने, आप देख सकते हो, हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, गरम मसाला मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है टेस्ट आता है उससे, और धनिया पाउडर लिया मैंने 2 टेबल स्पून, और ये मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, इससे बहुत अच्छा कलर आता है. ये मैंने दही ली है 1/2 कप. ये हमारा कीमा हमने कूट के रखा था, इसे अच्छे से धो लिया है हमने, आप देख सकते हो 500 ग्राम हमारा कीमा है. ये मैंने अखा मसूर 2 घंटों से भिगा के रखा था. ये मैंने चावल भिगो के रखा है 2 कप, आप अपने हिसाब से लेना, मैंने अपने हिसाब से लिया है गाइस. ये मैंने 2 बड़े आलू लिए, उसे कट कर लिया. ये हमारा स्टॉक भिजता है. कुकर हमने चढ़ा लिया गैस पे, इसमें 2 चम्मच जितना हम तेल ऐड करेंगे. प्याज ऐड कर लेंगे थोड़ी सी. पहले हम गोश्त को अच्छे से मसालों के साथ पका लेंगे. पच्चीस मिनट तक हमें गोश्त को पकाना है, तो ये हम पहले गोश्त का मसाला बनाएंगे. आप देख सकते हो गाइस, मैंने प्याज ऐड कर लिया है, ये खड़े मसाले ऐड कर लेंगे. जो मैंने आपको बताया था वो सब ऐड कर लेंगे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी मैंने क्या क्या लिया है, कितना लिया है, सारे मसालों के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको वहाँ दे दूंगी. इसको हम चला लेंगे अच्छे से. आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर देख सकते हो गाइस. इसे हमने चला लिया अच्छे से. मसाला कच्चा ना रहे वहाँ तक के आपको भूनना है. चिकन मसाला लिया है मैंने, मटन मसाला लिया है. इसमें हम कीमा ऐड कर लेंगे, 500 ग्राम कीमा लिया हमने. टमाटर ऐड कर लेंगे, और मसाले जितने पाउडर सारे मसाले हम ऐड कर लेंगे. तो गाइस आप देख सकते हो हमने सारे मसाले ऐड कर लिया है, नमक भी ऐड कर लिया है, और इसे हम मिक्स कर लेंगे. धनिया ऐड कर लेंगे, कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे,
भी रिश्ता मैंने ऐड कर लिया है और आप देख सकते हो नमक ऐड कर लेंगे, मुझे कम लगा तो मैंने ऐड किया, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। पानी ऐड कर लेंगे एक ग्लास, इसे हम 25 मिनट तक बंद कर गैस पे लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से हो जाए। ये मैंने साइड में कुकर लिया है, इसमें हम चावल ऐड कर लेंगे। और हम दाल भी ऐड कर लेंगे। आलू ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने ये तीन चीज लिए हैं और ये हमारा 25 मिनट हो गया है और ये बनके रेडी है। इसमें दही ऐड कर ली मैंने और ये टमाटर जो कि हमने पीस के रखे थे वो ऐड कर लेंगे। एक टमाटर लिया था मैंने, उसे हमने पीस दिया था और दही मैंने 2 टेबलस्पून लिए, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। धनिया ऐड कर लेंगे, चिकन मसाला ऐड कर लेंगे, मैंने 1 टेबलस्पून जितना लिया है। मटन मसाला ऐड कर लेंगे, ये भी मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। और जो हमने मसाले बनाए थे गाइस वो हम इसमें ऐड कर लेंगे, बिलिस्ता ऐड करेंगे पहले। और हाथों हाथ हम नमक भी ऐड कर लेंगे ताकि नमक कम ना हो, पुलाव नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। अब हम मसाले ऐड कर लेंगे जो हमने भून लिया 25 मिनट गोश्त को अलग से, इसे हम मिक्स कर लेंगे। गैस पर रख दिया है हमने। तो आप देख सकते हो हमने पानी लिया है वो ऐड कर लेंगे। 1.5 ग्लास हम पानी ऐड करेंगे ताकि नीचे ना लगे कुकर में और हमारा चावल अच्छे से कुक हो जाए। हमारा गोश्त पहले हमने उबाल लिए थे तो अभी हम इसे सिर्फ 15 मिनट रखेंगे गाइस, ज़्यादा नहीं रखेंगे। धनिया ऐड कर लेंगे ऊपर से। और इसे हम गैस पर रख देंगे लो फ्लेम पर 15 मिनट तक इसे होने देना है। तो गाइस ये हमारा बनके रेडी है, कुकर खोल लिया। तो आप देख सकते हो ये पुलाव हमारा रेडी है। इसे हम दही के कचुंबर से या नींबू के कचुंबर से खा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।